मैंने कुछ सोचा ये कि मैं जो अब रिंग लाइट बनाऊंगा वो मैं खुद से बनाऊंगा। तो फिलहाल अभी कुछ सामग्री जैसे कि लूगन, रबल साइड टेप, छोटा सा थर्माकोल कटर, और एक और चीज़ और मंगाई है, वो ऑनलाइन मंगाई है। वैसे ऑफलाइन भी मिल जाएगी हर जगह, पर मेरे को टाइम नहीं था बाहर जाने का। ओह, ये है अपनी वाइट कलर की लाइट, ये मंगवाई है। इसके साथ इन्होंने पता नहीं 4,000 दे तो दिया है, पर मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि वो लटका रहेगा। दूसरा चार्जर का यूज़ करूँगा, वो मेरे पास है। तो फिलहाल अभी बनाते हैं सबको। मेरे पास पुरानी की ये दफ्ती रखी थी, तो इसको मैं इसी से बनाऊँगा, गोल गोल करके काटूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले तो इसको काटते हैं पूरा। ये तो कहीं से फट भी नहीं रहा, पता नहीं कितना मजबूत बांध रखा। रॉकी फाड़ोगे इसको? लो फाड़ दो, निकल जा सिम सिम। दूसरा तरीका तो ये रहा, अब काटते हैं इसको। तो फिलहाल ये निकल आया है, बाकी अगर दोबारा जरूरत पड़ेगी तो दूसरा रखा हुआ उसे तब तक के लिए। अरे बड़ा तेज है यार, ध्यान से इस कटर को चलाइए। यूज में लाने वाले हैं इस प्लेट को गोल गोल काटने के लिए, बहुत बढ़िया जुगाड़। काटते हैं इसको, तो निशान लगा लेते हैं पेन से। सही है, इतना बड़ा तो वो रिंग लाइट ही थी, इतनी बड़ी तो बनाएंगे कम से कम। तो अब इसको काटते हैं। तो अभी कुछ ये ऐसा बन के रेडी हुआ है और आगे का कल करेंगे। फिलहाल लाइट चली गई है और कुछ सामान भी कम पड़ गया है। फेविकोल लगाया था इधर, ग्लूगन भी लाया हूँ, तब तक ये सूख भी जाएगा अच्छे से। 2,000 years later तो अपना कल कुछ दिखाता हूँ मैं। तो कल अपना कुछ ये ऐसा सूख गया था, पूरा सूखा हुआ है ये थोड़ा थोड़ा गैप है, वो भी सही कर दूंगा मैं, बाकी पूरा अच्छे से जुड़ गया। अब इसके इस साइड का काटते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। ओ, अब ये काटते हैं लाइन से कि ये हो पाएगा सेट है कि नहीं। अभी सबसे पहले तो उसको मोड़ लेते हैं। तो ये गोल हो चुका है, बस ये फिट हो जाए इसमें के लिए। से लग गया, ऐसा फेविकोल लगा देते हैं। तो इस साइड दोनों साइड फेविकोल लगा दिया है, अभी इसको सूखने के लिए रख देते हैं ऊपर, वरना रॉकी हमारा खा जाएगा इसको। अब तो ये ऐसे रख दिया है, उड़ेगा भी नहीं, सूख भी जाएगा। तो अब जाते हैं। फिलहाल ये सूख चुका है, मैंने सोचा था कि इसमें मैं वाइट टेप लगाऊंगा, लेकिन फिर आइडिया आया कि इसमें सिल्वर फॉइल भी लगा सकते हैं, तो अभी मैं वही लगाने जा रहा हूँ। तो लगाते हैं इसको जल्दी से। तो मैंने ये सिल्वर फॉइल लगाई थी, अब इसमें ये लाइट चिपका रहा है।
इस साइड डबल डबल, उसके बाद देखेंगे तो फिर इधर साइड भी लगा देंगे। तो अभी ये लगाते हैं। बाकी सारे लगा देंगे उसके बाद पता चलेगा। तो कुछ अभी ऐसा दिख रहा है, पूरा कंप्लीट होने के बाद देखते हैं कैसा बन पाता है। अभी थोड़ी और लाइट लगाएंगे साइड साइड में, वाइब्रेट करते हैं पूरा। तो कुछ मतलब अपना एक टेप है, वाइट टेप, वही जो डॉक्टर्स के पास होते हैं, तो वो टेप मैं लेने जा रहा हूँ मेडिकल स्टोर, उससे भी काम बनेगा। क्योंकि वो वाइट रहेगा तो लाइट पड़ेगी, तो लाइट मतलब ये नहीं होगा कि कलर मतलब लाइट कम आएगी वाइट से, और वो भी वाइट चमकेगा, इसलिए वो लाइट लेने जा रहा हूँ। मेरी साइड मेडिकल स्टोर बंद है, तो अभी मैं पीछे जा रहा हूँ मेरे स्कूल की साइड से। ये रहा मेरा स्कूल, जाते हैं जल्दी से लेके आते हैं। मैं वाइट टेप लेके आ रहा हूँ, उसको लगाते हैं। ये पूरा बनने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है फिलहाल, उससे तो सही है। मतलब 750 की चीज़ थी, मैंने 250 में बनाई है, 250 नहीं पर फिर भी तुम 350 तो मान ही लो। 350 में पूरा कंप्लीट कर लिया, गद्दा और दफ्ती हर जगह मिल जाती है, नॉर्मल टेप सिल्वर फॉइल तो वो तो आ ही जाता है, और लाइट सिर्फ मैंने मंगाई है बस, बाकी तो सब वही है। तो फिलहाल इससे पूरा अच्छा आ रहा है, बैकग्राउंड ब्लैक और सब कुछ सही है। बस इसके ऊपर थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं वाइट कलर का देखते हैं, सोचते हैं क्या करना है। फिलहाल मेरे को ये अच्छा लग रहा है ऐसे ही, तो ठीक है। फाइनली 3 दिन की मेहनत के बाद ये अब जाके कंप्लीट हुआ है। मेरा पुराना ट्राईपॉड है, 3 दिन की मेहनत के बाद अब जाके कंप्लीट हुआ है। और अभी बस इसमें जो ये है ना, सर मैंने क्या बोलते हैं उसको, फॉइल चढ़ाई हुई है, जो नॉर्मल फॉइल आती है तो वो चढ़ाई हुई है, ट्रांसपेरेंट है। अभी मैं उसको बाद में जब कभी पेंट हो गया कुछ होगा तो उसको वाइट कर दूंगा, फिलहाल सही है ऐसे। और पीछे मैं दिखाता हूँ, पीछे इसको कुछ इस तरह से बनाया है, ये पाइप है। बाकी इसको फिनिश करने के लिए बाद में देखा जाएगा, फिलहाल ये बनाइए बहुत मेहनत से। जिसको भी पसंद आए वो लाइक कर देना, और बहुत ही कम उसमें बनाया है मैंने। तो फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग में, अभी के लिए बाय। और 3 दिन मेहनत इसी में लग गई, और मेरा थोड़ा तबीयत भी ख़राब है, फीवर भी है, थोड़ा कोल्ड भी है, मेरी आवाज़ से शायद लग रहा होगा। और फिर मिलते हैं, bye.